नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का आपके अपने YouTube न्यूज चैनल क्लीन न्यूज यूपी में। आप जान सकेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम छोटे एवं बड़े खबरों को। तो न्यूज के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। अब तक का सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव की तारीख 30 अप्रैल तक हो जाएंगे चुनाव। हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। जी हाँ, यूपी में आगामी पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। विनोद कुमार उपाध्याय की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। यूपी के अपराधी भी समझ गए, सीएम जो कहते हैं उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी भी अब समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। प्रदेश से बाहर गए अपराधी वापस आ गए हैं जो बेधड़क अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें न खाकी का डर रह गया है और न ही खादी का। उत्तर प्रदेश को भाजपा राज में अपराधी प्रदेश बनने की बदनामी भी उठानी पड़ रही है। प्रियंका गांधी के वायरल वीडियो पर योगी के मंत्री का तंज, कहा शीशे की बजाय अपना चेहरा साफ करें। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का गाड़ी का शीशा साफ करते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री मोहसिन रजा ने उस पर तंज कसते हुए शीशे की बजाय उन्हें चेहरा साफ करने की सलाह दी है। जी हां, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए ट्रैक्टर परेड के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक किसान की हादसे में मौत हो गई थी। गुरुवार को प्रियंका गांधी मृतक किसान नवनीत सिंह के परिवार से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंची। इसी दौरान दिल्ली से जाते समय रास्ते में प्रियंका गांधी का अपनी कार का शीशा साफ करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। इसी के बारे में पूछे जाने पर रजा ने संवाददाताओं से कहा, गाड़ी का शीशा साफ करने के बजाय कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह साफ करना चाहिए। रामपुर जा रही प्रियंका गांधी के काफिले का एक्सीडेंट, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे विपक्षी दलों के नेता। जी हां, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर जा रही प्रियंका गांधी के काफिले का हापुड़ रोड पर एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक प्रियंका के काफिले की चार गाड़ियां आपस में टकरा गई। गढ़गंगा टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। हमारे जानकारी के मुताबिक काफिले में शामिल एक गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे पीछे आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। सेना भर्ती रैली 2021, इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए 48 घंटे पुराना कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना होगा आवश्यक। जी हां, 15 फरवरी से शुरू हो रही सेना भर्ती रैली की तैयारियां अंतिम चरण में है। सेना भर्ती दफ्तर में फ्रेश एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कोरोना को देखते हुए पहली बार अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले जारी नेगेटिव कोरोना वायरस सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों को हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और बिना मास्क के भर्ती रैली में शामिल नहीं किया जाएगा। दौड़ के दौरान मास्क अनिवार्य नहीं होगा। वहीं भर्ती के दौरान दलालों को दबोचने के लिए सेना इंटेलिजेंस अभी से सक्रिय हो गई है। एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषण देने वाले शरजील उस्मानी की मुश्किलें बढ़ी। यूपी में राजद्रोह का केस हुआ दर्ज। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे में एल्गार परिषद कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने वाले एएमयू के पूर्व छात्र शरजील उस्मानी के खिलाफ लखनऊ में भी एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह, 153A धार्मिक आधार व वैमनस्यता फैलाना और 505(1)(b) के तहत केस दर्ज किया है। गाजीपुर में बन रहा है 100 करोड़ का अस्पताल, ढलाई के कुछ घंटे बाद ही भरभरा कर गिर पड़ा स्लैब। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में गोरा बाजार में सीएमओ कार्यालय के समीप 100 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल अस्पताल का पोर्च ढलाई के कुछ घंटे बाद ही बुधवार को धराशायी हो गया। घटना के समय साइट पर लेबर नहीं थे जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। टना की सूचना मिलते ही सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्या पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही निर्माण इकाई के अधिकारी भी निर्माण स्थल पर पहुंच गए। बता दें कि बीजेपी सरकार ने जिले के आरटीआई मैदान में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना को हरी झंडी दी थी। इसी के संबंध में एक अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है।
चलिए देखते हैं कोरोना पर एक नजर। यूपी में 169 नए कोरोना पॉजिटिव, 97.78 रिकवरी रेट। जी हां, यूपी में बृहस्पतिवार को 169 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 263 को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 4629 एक्टिव मरीज बचे हैं। कुल 587661 मरीज अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में मरीजों के ठीक होने की दर 97.78% हो गई है। सीएम योगी का निर्देश, किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी उपज के मूल्य का भुगतान किया जाए। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। सीएम योगी ने एमएसपी के तहत धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं गेहूं खरीद की योजना को अमलीजामा अपनाते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे में किया जाएगा। साथ ही फसलों के भुगतान को सुगम बनाने के लिए भी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम योगी ने चोरी चोरा शताब्दी समारोह में की घोषणा, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विशिष्ट शोध को बढ़ावा देगी प्रदेश सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1857 से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध को प्रदेश सरकार बढ़ावा देगी। इसकी शुरुआत चोरी चोरा शताब्दी समारोह से की जा रही है। बृहस्पतिवार को चोरा चोरी स्थित शहीद स्मारक के पास आयोजित चोरी चोरा शताब्दी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोरी चोरा की घटना ने देश की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। 4 फरवरी 1922 को देश की स्वतंत्रता के लिए पुलिस और स्थानीय जनता के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए थे। सीमा पर तनाव के बीच एयरफोर्स चीफ का बयान, राफेल की तैनाती से चीनी कैंप में खौफ दिखा। खबर है नई दिल्ली से। एलएसी पर चीन के साथ लगातार सीमा विवाद जारी है। चीन से बीते कई माह से सीमा विवाद चल रहा। इस दौरान एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का कहना है कि राफेल की तैनाती से चीन के कैंप में खलबली मच गई है। वायुसेना चीफ के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में विवाद काफी बढ़ गया। चीन ने सीमा पर J-20 लड़ाकू विमान तैनात किया था, मगर जब उन्होंने इस क्षेत्र में राफेल की तैनाती की तो वो पीछे हटने को मजबूर हो गए। मोदी सरकार में लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार, भारत 26 रैंक नीचे फिसला। खबर है नई दिल्ली से। भारत को दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक कहा जाता है। दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की मिसालें दी जा रही है। वहीं जब से देश में मोदी सरकार अस्तित्व में आई है, तब से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रही है। यह बात हमने बल्कि द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 0 की रिपोर्ट कहती है। मोदी सरकार यानी 2014 से अब तक भारत लोकतंत्र सूचकांक में 26 रैंक नीचे गिर चुका है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक 0 की वैश्विक रैंक में 2019 के मुकाबले 2 स्थान फिसल कर 53वें रैंक पर आ गया है। पीएम मोदी बोले, 100 वर्ष पहले जो हुआ उसका संदेश बहुत बड़ा था। खबर है नई दिल्ली से। यूपी के गोरखपुर के चोरी चोरा कांड के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इसी के साथ चोरी चोरा शताब्दी वर्ष शुरू हो गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस कांड के शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि चोरी चोरा कांड ने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। 100 वर्ष पहले घटित इस कांड का संदेश बहुत बड़ा था। यह कांड सामूहिकता की शक्ति का प्रदर्शन था। सामूहिकता की यही शक्ति आज भारत को आत्मनिर्भर बना रहा। उन्होंने इस मौके पर महामना मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी को भी याद किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। जानिए कैसे कर सकते LIC के IPO से मोटी कमाई, बस करना होगा ये काम। खबर है नई दिल्ली से। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश किया। इसमें उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाने की घोषणा की। जानकारों के अनुसार इस साल अक्टूबर के अंत तक LIC का IPO आ सकता है। IPO का कुछ हिस्सा LIC पॉलिसी होल्डर के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे में अगर आपने भी LIC की पॉलिसी ले रखी है तो आप इसके शेयर से भी कमाई कर सकते हैं। लेकिन LIC IPO में पैसा लगाने से पहले आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे। सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहते बीजेपी। खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली पर शासन करने का अधिकार किसका, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार का एक बार फिर आमने सामने आ गई। इस बात का खुलासा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाने के बाद हुआ। डिप्टी सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने GNCTD एक्ट में अपने हिसाब से बदलाव कर उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति देने जा रही है। मनीष सिसोदिया का कहना कि केंद्र सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि LG दिल्ली की चुनी हुई सरकार के
काम रोक सके। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब फैसले लेने की शक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली पर शासन करना चाहती है। मार्च 1 को से घर बैठे ठीक कराए आधार से जुड़ी गड़बड़ियां, UIDAI ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। खबर है नई दिल्ली से। सरकारी से लेकर प्राइवेट कामकाज में आजकल हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उसमें सारी जानकारियां सही होनी चाहिए। कई बार जन्म तिथि या नाम की स्पेलिंग आदि गलत होने पर काम में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में इन गड़बड़ियों को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। कस्टमर की सुविधा के लिए UIDAI ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे महज एक कॉल से गलतियों को सुधार सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये हेल्पलाइन नंबर 12 भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असामी और उर्दू भाषा में उपलब्ध है। ऐसे में कस्टमर अपने क्षेत्रीय भाषा को चुनकर आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1947 हेल्पलाइन नंबर डायल कर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी समस्याओं की जरूरत बटन दबाकर ये गड़बड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। बजट 2021 में विदेशी ई फॉर्मर्स को बड़ा झटका, देना होगा 2% एक्स्ट्रा टैक्स। खबर है नई दिल्ली से। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने विदेशी ई फॉर्मर्स कंपनियों पर 2% अतिरिक्त कर लगाने के केंद्रीय बजट प्रस्ताव का स्वागत किया, जिसके जरिए चाहे वह माल की बिक्री के कारोबार में लगे हो या सेवाएं अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हो या बिक्री के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हो या खरीद आदेश की स्वीकृति हो या फिर माल और सेवाओं की आपूर्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान आदि ई विदेशी फार्मर्स कंपनियों द्वारा किया जाता तो उस पर अब इन ई फार्मर्स कंपनियों को 2% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। SBI आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन SBI खाते में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए खास सुविधा लेकर आया है। अगर आप भी अपने SBI खाते में नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो, SBI आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन SBI खाते में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं। SBI ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट कर लिखा, हमारे पास खुशखबरी है, अब SBI के ग्राहक हमारे ब्रांच में जाकर या अपनी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे लोग कुंभ में ना जाएं, सरकार ने जारी की सलाह। हरिद्वार में 27 फरवरी से आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों, अति संवेदनशील और बीमार व्यक्तियों को मेले में नहीं जाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से यह अनुरोध किया है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसमें भी ऐसी ही सलाह दी गई है। जुड़ेंगे देश भर के सेवा योजन कार्यालय, यूपी में बेरोजगारों को मिलेंगे नौकरी के अधिक अवसर। केंद्र सरकार की पहल पर देश भर के सेवा योजन कार्यालय एक साथ जुड़ जाएंगे। डिजिटल इंडिया के तहत कार्यालयों को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। राजधानी समेत प्रदेश के 92 समेत देश के 956 सेवा योजन कार्यालयों को लिंक किया जाएगा। इससे न केवल बेरोजगारों को नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे बल्कि कंपनियों को भी युवाओं के चयन में आसानी होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से नेशनल कैरियर सर्विस का गठन किया गया। इसके गठन के पीछे मंशा यह है कि अधिक से अधिक कंपनियों को एक साथ जोड़ा जाए और देश के किसी भी कोने में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार की जानकारी हो सके। प्रदेश के सभी 92 सेवा योजन कार्यालयों को NCS से जोड़ने की कवायद पिछले वर्ष शुरू हो गई थी। सभी को जोड़ने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राजधानी के लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राशन कार्ड बनाने में लापरवाही, अब इन पंचायत सचिवों को होगी कार्रवाई। राशन कार्ड के आवेदकों को समय से निष्पादन नहीं करने पर प्रखंड बगहा 2 की 3 पंचायतों पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर BDO ने 3 पंचायत सचिवों को जवाब तलब करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। BDO प्रणव कुमार गिरी ने बताया कि नगर क्षेत्र से राशन कार्ड के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदकों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। आवेदनों के सत्यापन को लेकर प्रखंड के पंचायत सचिव वीरेंद्र प्रसाद, जलेश्वर मिश्रा एवं शंभुनाथ पांडे को जवाबदेही सौंपी गई थी। उक्त तीनों पंचायत सचिवों को समय से आवेदनों का सत्यापन कर प्रखंड कार्यालय को प्रतिवेदन सौंपा था ताकि राशन कार्ड के लिए अनुमंडल को आवेदन अग्रसारित किया जा सके। रेल कर्मचारियों के सामने विकल्प, जबलपुर 4 फरवरी रेल बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को विकल्प दिया कि यदि वे अपने यात्रा पास सिलेंडर करते हैं तो उन्हें समतुल्य राशि के बराबर राशि के घरेलू सामग्री खरीदने की सुविधा दी जाएगी। रेलवे द्वारा कर्मचारियों को दिए गए विकल्प का त्वरित असर भी देखने को मिला। सूत्रों ने बताया कि इस घोषणा के बाद करीब 300 से अधिक कर्मचारियों ने आनन फानन में अपने यात्रा पास करने विभागीय प्रमुख के पास जमा भी कर दिए हैं।
दिल्ली समेत समुच्चे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। देश के इन हिस्सों में पड़ेगी बारिश, खबर है नई दिल्ली से। अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तरी पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अप्रत्याशित संक्षिप्त मानसून से मौसम का मिजाज बदल गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। IIMD ने गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार और शनिवार को मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट 100 देशों को सप्लाई करेगा कोरोना वैक्सीन यूनिसेफ के साथ एग्रीमेंट, खबर है नई दिल्ली से। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 45 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका। इस बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीनेशन कोविशील्ड और नोवावैक्स की लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत 100 देशों को 1.1 बिलियन डोज सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक समझा जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए भारत से संपर्क बनाए हुए हैं। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 माह में खरीदे जाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन, खबर है नई दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया। अगले 6 माह में दिल्ली सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को हायर करेगी। केजरीवाल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।